हाय, वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ प्लांट। मेरा नाम सुदीप्ति है, मैं गार्डनिंग करती हूँ और आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। प्लांट नंबर 7 ऑफ 30 प्लांट सीरीज है अपराजिता, जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था। इसको नीलकंठ या विष्णुकांता भी कहते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक प्लांट है। आपके घर में कितनी भी स्पेस हो ना, ये प्लांट होना ही चाहिए। ये एक बेल वाला पौधा है, बेल की तरह चढ़ता है। इसकी एक यूनिक क्वालिटी ये है कि बाकी जितने भी बेल वाले पौधे हैं ना, स्पेशली फूलों वाले, उनमें थोड़ी मेहनत लगती है, फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत लगता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उनमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। लेकिन ये अगर आपने ओके भी चीज़ें की हैं ना, तो ये फ्लावरिंग करके रहेगा। इसकी टेंडेंसी है फ्लावरिंग करना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक धार्मिक शुभ पौधा है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हर्बल आयुर्वेदिक प्लांट है। इसके फ्लावर्स की टी बनती है, जैसे ग्रीन टी पीते हैं ना, सेम अपराजिता टी बनती है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसके फूलों में खुशबू नहीं होती है, लेकिन लगता बहुत सुंदर है। नॉर्मली इसके 4 कलर्स होते हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 देखे हैं, एक ब्लू और एक वाइट। बाकी मैंने किसी भी नर्सरी में पिंक कलर नहीं देखा है। लेकिन इसमें वैरायटीज होती हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल। ब्लू का जो डबल पेटल है ना, इतना खूबसूरत लगता है, आपको कहीं से भी मिले ना, आप ज़रूर रखिएगा अपने घर में। अब बात करते हैं कि ये प्लांट आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये आपको नर्सरी में ब्लू और वाइट बहुत ईजिली मिल जाएगा। आप मार्च से लेके अक्टूबर तक इसको बहुत ईजिली ले सकते हैं, 40-50 रुपए में मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के घर में अपराजिता ऑलरेडी लगा है, तो भर भर के सीड पॉट्स आते हैं। सीड पॉट्स ले लीजिए। सीड्स लगाने का बेस्ट सीजन है स्प्रिंग सीजन। अगर आप बसंत में नहीं लगा पाए हैं, मार्च तक नहीं लगा पाए हैं, तो फिर आप मॉनसून में यानी कि अगस्त में भी लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है कटिंग से ग्रो करने का। कटिंग से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बसंत में या मॉनसून में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अभी बिगिनर हैं, तो आप कटिंग से रहने दें। बेस्ट है कि आप इसको नर्सरी से लाएं। और हाँ, सीड जर्मिनेट होने में 10-15 दिन ले लेता है, क्योंकि इसके सीड्स ना थोड़े से हार्ड होते हैं। ये एक टिपिकल समर प्लांट है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत आराम से ग्रो करता है। टेम्परेचर जब नीचे जाता है, तो आप इसको थोड़ा शेड में रखिए या इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह ढक दीजिए। ठंड में ये स्ट्रेस में जाएगा, इसकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा, आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, उसी जगह जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे तो ये गर्मी वाला प्लांट है, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब जून की गर्मी आएगी ना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा। हो सकता है फ्लावरिंग कम हो जाए या ना हो, ये भी हो सकता है कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी झुलसने लगें। इस कंडीशन में थोड़ा पानी का ध्यान रखें, गर्म खौलता पानी टंकी का ना दें, हो सके तो ग्रीन नेट के नीचे रखें। इस प्लांट को ना सपोर्ट चाहिए होता है, या तो आप इसको किसी पिलर या किसी पोल के पास रखिए और यहीं से ये चढ़ता चला जाएगा, या आप एक केज बना के इस तरीके से रख के इसमें लगाए, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अगर मैं इसके पॉट की बात करूं, तो ये प्लांट ऊपर तो बढ़ता ही है, साथ में इसकी जड़ें भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं। एटलीस्ट 12 इंच के पॉट में लगाइए। 12 इंच से बड़ा पॉट है, चौड़ा है, तो आप एक की जगह 2 या 3-4 भी लगा सकते हो अपराजिता। जब ये एक साथ घना होता है, एक साथ बढ़ेगा ना, बहुत सुंदर लगेगा। बेस्ट तो है कि आप मिट्टी के गमले में लगाएं, मिट्टी का नहीं है तो आप प्लास्टिक या सीमेंट में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कितनी धूप चाहिए। देखिए, अगर आप इसको सीधी धूप में रखेंगे एटलीस्ट 5 घंटे की, मोर देन सफिशेंट है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसको 1 या 2 घंटे की धूप में रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं करेगा।
वैसे ये बेल वाला पौधा है, बेल वाले जितने भी होते हैं बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, बढ़ेगा स्पीड से लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगा, इसलिए 5 घंटे की धूप जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। देखिए ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, मिट्टी इसकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए या बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन होनी चाहिए, बट बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो भी मिट्टी आपके यहाँ पर है उसको साफ कर लीजिए, ले लीजिए। जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको इसमें कॉम्पोस्ट मिलाना है, आप कोई भी कॉम्पोस्ट मिला सकते हैं, और जितना कॉम्पोस्ट है उसका आधा आपको कोकोपीट मिलाना है, और जितनी कोकोपीट है उससे 1/3 आपको उसमें सैंड यानी कि कंस्ट्रक्शन सैंड मिलानी है, थोड़ी सी नीम की खल और थोड़ी सी फंगीसाइड, अच्छे से मिक्स करें, और ये मिट्टी परफेक्ट है अपराजिता के लिए। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की यानी कि कटाई छटाई। देखिए ये एक बेल वाला पौधा है तो नॉर्मली तो इसकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे गुलाब की, गेंदे की, गुड़हल की हम पिंचिंग करते हैं ना, नहीं करनी चाहिए। इसको बढ़ने दे, जितना ऊपर फैलेगा ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आपका पॉट छोटा है या आपके पास उतनी स्पेस नहीं है, ये ऑलरेडी फैल चुका है, और तीसरी चीज़ अगर इसने फ्लावरिंग रोक दी है, इन तीनों ही कंडीशन में आप करीब 4-5 फिट के बाद इसको ऊपर से कट कर दें। इसके अलावा जब सर्दियां खत्म होती हैं यानी कि बसंत ऋतु आती है, फरवरी एंड में एक बार इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी पत्तियां सूख रही हैं तो आप उनको हटा दीजिए। और मेन चीज़ इसमें ये आती है, जब भी फूल खिलते हैं उसके बाद इसमें सीड पॉड्स आते हैं। शुरू में ये ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्राउन कलर के होते हैं। अगर आपको बीज चाहिए तो वेट करिए, जब ये ब्राउन कलर का हो जाए तभी तोड़िए। जैसे ही सीड पॉड मैच्योर होता है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीड पॉड्स हटाते रहेंगे तो ये बैक टू बैक फ्लावरिंग करता रहेगा, अगर आप सीड पॉट्स नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे करके इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। अब बात करते हैं वाटरिंग की। ये जो प्लांट है ना, इसकी मिट्टी कभी भी ऊपर की सूखनी नहीं चाहिए। हल्का सा मॉइस्चर है आप पानी दे दें, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है कि ऑलरेडी आज पानी दिया, आप मिट्टी की लिए फिर से दोबारा दे दिया, ये नहीं करना है। लेकिन जब आपको लगे कि अब पानी नहीं दिया तो मिट्टी सूख जाएगी, इस कंडीशन में इसको पानी ज़रूर दें। मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखें और जब भी पानी दें अच्छे से दें। बात करते हैं फर्टिलाइजर्स। फ्लावरिंग प्लांट है इसके बावजूद बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, महीने में एक दिन डिसाइड करें, उस दिन इसकी गुड़ाई करें और कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर ऐड करें। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइम प्लस यूज़ करते हैं जो मैंने आपको हिबिस्कस वाली वीडियो में बताया है, तो वो अगर यूज़ कर रहे हो आप तो उसके अलावा आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर शुरुआती स्टेज है तो आप काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, मौसम देख के, ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप मस्टर्ड केक और ग्राउंडनट दे सकते हैं, नॉर्मल मौसम है आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, आप सीवीड दे सकते हैं, आप नीम केक की टी दे सकते हैं। लेकिन जब आपको दिखे कि इसमें बैक टू बैक फ्लावरिंग हो रही है उस समय आप बनाना पील और अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। अगर आपका प्लांट हेल्दी है मगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या करें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कभी कभी प्लांट ना लंबा होता चला जाता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करता है, सारी एनर्जी लंबाई में लगा देता है,
तो आपने क्या करना है कि ऊपर से हल्की सी पहले पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने के बाद आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। यह यूज्ड चाय की पत्ती है, इसे धो लिया है, धोने के बाद थोड़ा सा सुखा लिया है। मिट्टी की गुड़ाई करके इसको थोड़ा सा डाल दें। और इसके एक हफ्ते के बाद आपको बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आप सही तरीके से डालेंगे तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बनाना पील फर्टिलाइज़र पे मेरा वीडियो है, आप उसको देखकर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पेस्ट की, यानी कि कीड़े मकोड़े। जनरली इसमें पेस्ट नहीं लगते हैं। अगर आपके गार्डन में ऑलरेडी पेस्ट हैं तो हो सकता है कि इसमें एफिड्स लग जाएं, या हो सकता है कि इसमें माइल्ड्यू का अटैक हो, जो पत्तियां हैं वो वाइट कलर की हो जाती हैं। इस कंडीशन में आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। और वैसे सेफर साइट अगर आप प्राइम प्लस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी प्रोटेक्टर होता है जो ये कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता है। लेकिन अगर लग चुके हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, ये प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, इस प्लांट को अननेसेसरी रीपॉटिंग और शिफ्टिंग नहीं पसंद है। आपने आज यहाँ रखा, कल आप वहाँ रख रहे हो, एक हफ्ते के बाद वहाँ रख रहे हो, ये नहीं करना। एक जगह इसको सेट होने दीजिए। और वैसे भी बेल वाला है, बेल एक बार सेट हो जाती है तो हटाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इसकी रीपॉटिंग भी अननेसेसरी नहीं करनी चाहिए। आज आपने इसको 8 इंच में लगाया, कल आप उसको 12 इंच में लगाओगे, फिर 14, ये नहीं। मौसम ठीक है, मतलब बसंत है, फरवरी एंड, एक बार आप इसकी रीपॉटिंग कर दीजिए, फिर इसको रहने दीजिए। बार बार शिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर आपको इन वीडियोस से फ़ायदा मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है गार्डनिंग में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।